हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे। तो आज एक अपडेट निकल कर आ रही है डंकी मूवी के बारे में, जो कि एसआरके भाई की पठान के बाद अगली मूवी है। आप सबको पता है एसआरके भाई अपनी मूवी पठान के साथ बिजी हैं, जो कि जल्द ही रिलीज होने वाली है। एसआरके भाई पठान मूवी के प्रमोशन में बिजी हैं। रिसेंटली फीफा के वर्ल्ड कप के फाइनल में भी जा चुके हैं पठान के प्रमोशन के लिए। इस फिल्म का एक सॉन्ग भी रिलीज हुआ है, बेशरम रंग, जो कि बहुत कमाल का था। लेकिन उस पर कुछ कंट्रोवर्सीज चल रही हैं एक्टर के ड्रेस को लेकर, और मीडिया पर पठान बायकॉट का ट्रेंड भी चल रहा है। और कुछ लोग कह रहे हैं जो भी हो जाए पठान को कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। वैसे आपका क्या ख्याल है इस बारे में, मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। तो चलिए आज के अपडेट के बारे में बात करते हैं, जो कि है डंकी मूवी के बारे में। अपडेट निकल कर आ रही है कि अब कुछ लोगों ने डंकी मूवी की शूटिंग को भी रोकने की कोशिश की। जी हाँ, शाहरुख भाई से पता नहीं लोगों को क्या गिला है, वैसे मैं तो उनका बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। अपडेट्स के मुताबिक जबलपुर सिटी में बेदा घाट और दुधार के वाटरफॉल पर हो रही डंकी की शूटिंग को रोकने की कोशिश की है। अपडेट्स के मुताबिक यह भी कहा जा रहा है कि डंकी की शूटिंग पर लगाई गई पुलिस की रिस्ट्रिक्शन को भी तोड़ने की कोशिश की गई, और कहा जा रहा है कि स्केड्यूल में शाहरुख भाई और लीड एक्टर्स नहीं थे। अब उनमें से कुछ लोगों ने मेकर्स को सिटी में फिल्म की शूटिंग करने की परमिशन देने पर कलेक्टर के खिलाफ नारेबाजी की। अब इस पर वहां की सिटी सुप्रिटेंडेंट प्रियंका शुक्ला ने कहा कि हमने सब्र किया, शूटिंग के स्केड्यूल की परमिशन जबलपुर के कलेक्टर ने दी है, शूटिंग फ्राइडे को ही कंप्लीट होगी। अब वहां मेमोर्डन तहसीलदार भी शूटिंग को रोकने का कह रहे हैं। अब शाहरुख भाई इतने सालों बाद फिल्म इंडस्ट्री में कमबैक कर रहे हैं, और वो भी सुपर डुपर फिल्मों की लाइन, और लोगों को देखो उनके पीछे ही पड़ गए। लेकिन इससे शाहरुख भाई को कोई फ़र्क पड़ने वाला है नहीं। अब फिल्म की रिलीज़ की बात करें तो पठान 25 जनवरी को रिलीज़ होने वाली है, और डंकी उसी साल की आखिरी रिलीज़ होगी। ये एसआरके भाई का फर्स्ट कोलैबोरेशन होगा राजकुमार हिरानी के साथ, जो कि इससे पहले पीके, मुना भाई और थ्री इडियट जैसी ब्लॉकबस्टर मूवीज़ दे चुके हैं। और फिल्म की लीड रोल में हमें एसआरके और तपसी पन्नू नज़र आएंगी। उम्मीद है कि फिल्म अच्छी होगी। राजकुमार हिरानी कमाल के डायरेक्टर हैं, ये तो आप सभी को पता है। तो ये थी कुछ अपडेट्स डंकी को लेकर। उम्मीद है आप सबको वीडियो पसंद आई होगी। अब देखते हैं आगे क्या होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, कमेंट में अपनी राय ज़रूर दें, और चैनल को सब्सक्राइब करें मज़ीद अच्छी फिल्मी अपडेट्स के लिए।